हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू स्पेशल किचन। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे वड़ा पाव। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आपने मार्केट में तो खाया होगा पर क्या आपको पता है कि आप इसे घर में बहुत इजीली और बहुत ही जल्दी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैं अपने घर में जब भी बनाती हूँ तभी सोचती हूँ आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैंने सोचा इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर दूं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। आप अपने घर के मेंबर के अकॉर्डिंग बेसन ले लें। मैं 5 से 6 लोगों का बना रही हूँ इसलिए 2 कप बेसन है। उसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी कलर के लिए, बहुत ज्यादा ऐड ना करें। थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दें। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग इसमें चावल का आटा यूज करते हैं तो आप वो यूज मत करें। उससे ना थोड़े कैड़े हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। तो अब मैं इसको मैं धीरे धीरे पानी डालकर एक बैटर रेडी करूंगी। ना ही ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। यदि आपका बैटर पतला होगा तो उसकी कोटिंग नहीं होगी आलू की स्टफिंग पर, और यदि आपका बैटर गाढ़ा होगा तो वो बहुत ही मोटी लेयर आ जाएगी, वो बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें बैटर ऐसा रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला। तो अब मैं इसको ढककर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अदरक लहसुन को दरदरा कूटेंगे। मैंने लिया थोड़ा सा अदरक, लगभग 4 से 5 कली लहसुन की, थोड़ी सी हरी मिर्च 4 से 5, और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरे धनिए की डंडी, सिर्फ डंडी मतलब डंठल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको दरदरा कूटेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसमें ना दरदरा कूट के डालोगे ना आप तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसे मैंने दरदरा कूट के रख दिया। अब एक मिक्सर का जार लेंगे, हम लोग हरे धनिया की चटनी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियां, 2 अदरक की और 4 से 5 हरी मिर्च। आप यदि और तीखा चाहें तो इसमें हरी मिर्च ज्यादा ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा नमक और 1/2 नींबू का रस। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 आइस क्यूब। इससे ना हरे धनिया का कलर एकदम मेंटेन रहेगा। आप 2 जगह चटनी पीस कर देखें, एक सिंपल पानी से और एक बर्फ से, तो फिर आपको डिफरेंट अपने आप पता चल जाएगा। तो ये चटनी मैंने पीस ली है। अब आप देखिए इसका कलर कितना नेचुरल आया, जैसे आपने सिलबट्टे पर पीसी हो। तो आप इस तरीके से बर्फ की 1 क्यूब भी डाल देंगे ना तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है, एकदम नेचुरल ग्रीन आता है। तो ये मैंने उबले हुए आलू लिए, इन्हें मैंने हाथ से बहुत अच्छी तरह मैश कर दिया। आप चाहें तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो अब हम लोग लेंगे एक पैन, इसमें मैंने 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। तो आप चाहें तो इसकी जगह ये गोला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं ऐड करती क्योंकि ये थोड़ा काला काला हो जाता है। तो मैं इसको ना भून लेती हूँ, मतलब इसका ना कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ मॉइस्चर निकालना है। तो इसको मैंने भून लिया है, अब मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ। उसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल, या तेल या रिफाइंड जो भी आप यूज करना चाहें। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा। इन दोनों के क्रैकल हो जाने पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हींग। हींग आप अच्छी मात्रा में डालें, उससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हम लोग भून लेंगे, और भूनने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे लगभग 8 से 10 करी पत्ता। करी पत्ता भी आप जरूर ऐड करें ना, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें ऐड करना जरूरी होता है। तो करी पत्ता ऐड करने के बाद और इसे भूनने के बाद मैं इसमें दरदरा पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो हमने अभी कूटा था, और इसको भी हम लोग अच्छी तरह भून लेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसमें लहसुन कूटा हुआ है तो उसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो इसको भी लगातार चलाते हुए, अब इस समय इसमें छींटे आएंगे तो थोड़ा हाथ बचा कर रखें, और इसको ना अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम, और नमक टेस्ट अनुसार। इसको भी हम लोग भून लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डार्क कलर की अंदर की स्टफिंग नहीं होती, ऐसे हल्के रंग की होती है, तो हल्दी आप बहुत ज्यादा यूज ना करें। अब इसमें वही उबले हुए आलू डाल देंगे। आप चाहे तो मैशर से मैश भी कर ले, ग्रेटर से ग्रेट भी कर ले, लेकिन इनमें जरा सा भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और मैशी होने चाहिए। तो अब हम लोग इसको ना अच्छी तरह भून लेंगे, सब जगह अच्छी तरह हल्का पीला रंग आ जाना चाहिए। तो ये मैंने भून लिया है अच्छी तरह। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, जिसको सिर्फ फ्लेवर के लिए। इसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया तो आप थोड़ा ज्यादा ही ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है। और 1/2 नींबू का रस। अब मैं इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि गरम गरम में तो हम लोग वड़ा बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले अब हम लोग इसको मिक्स करके अच्छी तरह और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती। अब हम लोग बैटर चेक कर लेते हैं। तो बैटर तो हमारा परफेक्ट है, तो मैं इसको आपको फेंट के दिखा देती हूँ।
ये देखिए बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है, बस ऐसा ही बैटर हो जाना चाहिए। मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक पिंच खाने वाला सोडा और एक चम्मच गरम तेल, जो जिसमें कि हम लोग वड़े को तलेंगे वही उसमें से ही मैंने ले लिया है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर बेकिंग सोडा ही यूज करें, बेकिंग पाउडर ना यूज करें। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम लोग। अब तेल गर्म हो रखा है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हाथ इसमें देंगे, मतलब ऐसे करेंगे, डुबोएंगे और इस तरह बूंदी की तरह इसमें ड्रॉप ड्रॉप डालते रहेंगे। तो अब आप इसको बूंदी बोलिए या चुरमुरा बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बस ये मालूम है कि ये पीसा जाता है चटनी में, तो इसलिए मैं इसको ऐसे बूंदी की शेप में रेडी कर लेती हूँ। आप छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इसको चटनी में पीसना ही है। अब मैं इसमें 3 से 4 जितने के आपको वड़े बनाने हो उतनी बीच में से कट लगाकर, आप हरी मिर्च को हमेशा कट लगाकर फ्राई करें, नहीं तो वो घी में डलती फट जाती है और जलने का खतरा रहता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसमें मैं फ्राई कर लेती हूँ, और आप ना गरम गरम को ही एक कटोरी में निकालने के बाद तुरंत इस पर नमक ऐड कर दें, क्योंकि जब ये गरम होगी ना तभी इस पर नमक चिपकेगा। तो मैं ये कटोरी में बाहर निकाल लेती हूँ, और ध्यान रखें कि कट लगाने के बाद ही मिर्च को तलें, और इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, क्योंकि ये तभी तुरंत इस पर चिपक जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 7 से 8 कली लहसुन की, और वो भी बिना छीले, तो ये बिना छीले ही फ्राई की जाती है। अब इसको भी हम लोग अलट पलट करके, बस एक ऊपर लेयर आ जाएगी तो जब तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लहसुन भी मैंने फ्राई कर लिया, उसको बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ, बस क्रैकल आना चाहिए मूंगफली के दानों पर, बस इतना ही इसको फ्राई करना है, जलाना नहीं है ना ही तेज कलर करना है। तो इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, मूंगफली के दानों को भी, और इनको भी बाहर निकाल लेंगे, मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं करने, बस 2 से 3 चम्मच। अब हम लोग लेंगे एक मिक्सर जार, उसमें मैं वो डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ जो कि हमने अभी भून कर रखा था। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मूंगफली, लहसुन, और मोटे मोटे जो हमने चुरमुरे बनाए थे ना, ये जो मोटे मोटे बूंदी बनाई थी उसमें मोटा मोटा पार्ट हम लोग सारा इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा बचा लेंगे सर्व करने के लिए। इसमें ऐड कर रही हूँ नमक और 3 चम्मच रेड चिली पाउडर, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा। यदि आपको तीखा चाहिए तो आप घर की पिसी हुई तेज मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। यदि आपको लगे कि आपके इसमें मॉइस्चर है या पानी लग रहा है, तो आप 1 चम्मच ब्रेड को क्या कहते हैं ट्राई टोस्ट कर लें, और उसके बाद इसको इसमें पीस दे। लेकिन मैं नहीं पीसती क्योंकि उससे ना फ्लेवर अच्छा नहीं आता, वो नेचुरल नहीं लगता। तो इसकी चटनी तो ऐसे ही बनती है बिना ब्रेड क्रम्ब के। तो अब मैं इसको आलू को देख लेती हूँ, चटनी हमारी बनकर रेडी है। अब हम लोग आलू की ऐसे स्टफिंग थोड़ी सी लेंगे, और इसको ऐसे गोल करके और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, मतलब टिक्की नहीं बनानी है हमें इसकी, बहुत ज्यादा टिक्की की शेप नहीं देनी है, हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, ये मैंने सारे रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई करेंगे। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, तेल हमारा तेज गर्म है जिसमें हमने वो बूंदी तली थी, अब हम लोग इसमें डिप करेंगे। अब आप देखिए एक अच्छी खासी ना लेयर इसके ऊपर आलू के ऊपर आ गई है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं आई है देखिए ना, और ना ही ज्यादा पतली है कि बहरा है, एकदम क्लियर लेयर आई है। ऐसी ही लेयर हमें इन आलूओं के ऊपर लानी है बेसन की। अब हम ये सारे में अलट पलट करके गोल्डन कलर आने तक इन्हें डीप फ्राई कर लूं। ये देखिए आप इस तरह ना डीप फ्राई कर ले, सोडा डालने से ना वैसे भी ये क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मत डालें आप सोडा, नहीं तो ये घी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ना तो वड़ों ने घी एब्जॉर्ब किया, और कितने परफेक्ट इतने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पाव लिए हैं, इसको बीच में से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको सेक भी सकते हैं, चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इसमें चीज भी ऐड कर सकते हैं, या बटर में भी सेक सकते हैं, लेकिन मार्केट में तो ये सिंपल ही मिलते हैं और वही ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और मेरे भी घर में वही ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैं बीच में से कट लगा लेती हूँ, और इसके बाद एक साइड हम लोग लगाएंगे इसके हरी चटनी जो हमने लोगों ने पीस के रखी थी। देखिए अब कितना नेचुरल कलर है ना हरी चटनी का। तो अब एक साइड ये लगा लेते हैं, और दूसरी साइड रेड वाली सूखी चटनी जो हम लोगों ने पीसी थी। दोनों साइड ये लगा लेंगे और बीच में रख लेंगे हम लोग वड़ा और एक एक हरी मिर्च, और इसको अब हम लोग सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे वड़ा पाव बनके रेडी है। कितनी जल्दी बन गए ना, तो आप एक बार इस तरीके से बनाएं, आपके इतने बढ़िया बनेंगे कि आप मार्केट से खाना भूल जाएंगे। और इन दिनों तो वैसे भी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं जल्दी एक और